बेगमगंज के उमरखो गांव में कुछ लोगों ने आपसी विवाद के चलते युवक को जलते हुए अलाव में धक्का दे दिया है। दरअसल युवक अपने दोस्तों के साथ देर रात शराब पी रहा था, अलाव ताप रहा था। इसी दौरान आपसी विवाद के कारण युवक के दोस्तों ने मिलकर उसे आग की लपटों में धक्का दे दिया। युवक आपसे बुरी तरह से झुलस गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने उसे अस्पताल में भर्ती किया। इलाज के बाद युवक को गंभीर हालत में भोपाल रेफर किया गया है। मामले में सूचना मिलते ही पुलिस ने शिकायत दर्ज कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुरानी बात को लेकर इनमें आपस में झगड़ा हुआ, जिसमें जो है आरोपी लोगों ने इसको जान से मारने की नीयत से जल रहे अलाव में धक्का देके फिरा दिया, जिससे उसके जो है चेस्ट एवं चेहरे पर जल गया है, जिसका इलाज भोपाल में चल रहा है। जिसकी रिपोर्ट पर थाने में धारा 307 IPC में अपराध पंजीकृत किया गया है, जिसमें तीन आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं। अन्य आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीम बाहर नहीं हुई।